यहाँ पर टोज को थोड़ा सा प्रेस करना है, ये फुटप्रिंट यहाँ पर टच करता है, एक्चुअली ये डमी भी है तो इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये टच करेगा तो यहाँ पे उसकी बेबी की लेंथ हम इजीली देख सकते हैं। नाउ वी विल कम द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं एक बेट के थ्रू आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड एक्यूरेसी दिखाऊंगा कि 100 ग्राम का है अगर मैं इसे सेंट्रल में रखता हूं तब भी 100 ग्राम दिखाएगा, अगर किसी कॉर्नर पर रखता हूं तब भी 100 ग्राम दिखाएगा, यानी कि बेबी हमारा ये नहीं होता है कभी भी कि सेंट्रलाइज होता है। मेरे मतलब यही है कि अगर बेबी सेंट्रलाइज भी नहीं है तब भी उसका एक्यूरेसी के साथ में एग्जैक्ट वेट आएगा। इस मशीन का जो ग्रेजुएशन है वो 5 ग्राम का है, ग्रेजुएशन मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर बेबी का हेल्थ वाइज जो इंक्रीमेंट होगा वो 5-5-5 के इंटरवल में होगा, डिक्रीमेंट वो सेम पोजीशन पे होगा। तो अब मिनिमम ग्रेजुएशन के साथ में मिनिमम ग्रेजुएशन का उसका हेल्थ वाइज क्या उसका प्रोग्रेस हो रही है इजीली देख सकते हैं। ये मैं 5 ग्राम वेट लेता हूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वेट को मैं किसी भी कॉर्नर पर रखूंगा वो वहां से सेंस करेगा। यानी सो सेंसिटिव, किसी भी कॉर्नर पर रखा मशीन ने सेंस किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जब हम बेबी का वेट लेते हैं कभी वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं होता है, तो हम क्या है? बेबी अगर रेस्टिंग पोजीशन में नहीं है तब भी हमें उसे आइडल वे में उसका वेट हम ले सकते हैं। देखें जैसे कि हम इसमें थोड़ा डैम्पिंग करते हैं, बेबी वेट सपोज मूव हो रहा है तब भी उसका वेट जो है वो आइडल एक्यूरेसी के साथ में हम ले सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ है, अगर आपका यूज में नहीं है तो विद इन 1 मिनट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, जिससे कि इसका बैटरी लाइफ बढ़ सकता है।